এত বড় বড় বিয়ে কোন জেতে আনছিস ওই পারে কিরণ গড়ে সর मैं बच्चों का लूट के खाता हूँ पता है कमेंट क्यों नहीं करती तो और कमेंट करना जब कुछ इस ट्रैंकिंग ब्लॉग आए तो तभी तो वाह करेंगे क्या इंग्लिश है वाह क्या इंग्लिश है क्या क्या फिर से स्ट्रिंग का ब्लॉग थैंक यू अरे थैंक यू देखा ओ नहीं ऐसे जानबूझ के नहीं मारा जानबूझ के नहीं मारा है ऐसे लग गया चलो इसको लो मैं इसको गोद में लूँगा देखना दर्द ठीक हो जाए अंतर मंत्र जंतर जो करे काला बंतर यही मंत्र था ना नहीं पास हो गए है कांग्रेचुलेशन कितना पर्सन आया सेकंड आई हो तुम्हारा मैं फर्स्ट आया हूँ यही दिन आज झूठ बोलता ना क्या होता हूँ सरप्राइज आ जाओ दिखा दो क्या सरप्राइज है क्या हुआ मुँह में क्या हुआ क्या रखी है मुँह में दे खाऊंगा क्या रखी थे ये बोखी हो गई है ये तो बोखी हो गई है दिखा ये है छोटा बच्चा का छोटा बच्चा तो दोस्तों यहाँ पे एक पार्सल था कल भी इस घर में एक पार्सल दिया था और आज भी क्या होता है ना कि जब एक कस्टमर नया बनते हैं ना तो और यहाँ पे पार्सल दे ही रहा था गाय के नोच दिया पूरा ठीक हाँ हो गया वो भाई कितना इंतजार करूँ और कस्टमर आ ही नहीं रहा है यार उसका जो पत्ता रहता है ना उसका चटनी अरे गजब सरप्राइज वो भाई एक तरफ सूरज एक तरफ चांद ठीक है तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आज शुरुआत जो कर रहा हूँ मैं घर से ही कर रहा हूँ ठीक है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो में तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं लेकिन चैनल को पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट तो बनता है भाई क्योंकि आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ तो कमेंट तो ज़रूरी है भाई एक कमेंट कर ही दीजिएगा चलिए दोस्तों चलते हैं अभी सीधा फटाफट से ऑफिस और देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज की कहानी मेरी क्या होती है प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पे बने रहिएगा ठीक है ऑलरेडी मैं अपना बाइक वगैरह तैयार कर चुका था चाबी वाबी लगा के सीधा ऑफिस जाके मिलते हैं ठीक है और रही हमारे गैया माता जी चलिए दोस्तों अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ और आज भी हाउसफुल है ठीक है और एक पार्सल जो है ना आज ही मिला है बहुत दूर का ठीक है उसको भी जाना है देने के लिए और दो एरिया हमेशा की तरह दो एरिया पता नहीं क्या हो जाता है हालांकि पार्सल कम नहीं है पता है बहुत सारा पार्सल है फटाफट कोशिश करूँगा बांटने की ठीक है तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे भाई लोग कोई भी निकला नहीं है मैं निकलता हूँ क्योंकि दो एरिया संभालना पड़ता है मेरे को ठीक है इसी कारण से चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टॉप पे आ गया था एक ही जगह का तीन पार्सल से आज वो नहीं कर रहा हूँ ठीक है तीनों हालांकि प्रीपेड पार्सल है फटाक से इसको डिलीवर करता हूँ कहाँ गया तीन पार्सल जो है ना तीनों के तीनों प्रीपेड हैं डिलीवर एंटी बजा देता पार्सल था तीन ठीक तो दोस्तों यहाँ पे एक पार्सल था कल भी इस घर में एक पार्सल दिया था और आज भी क्या होता है ना कि जब एक कस्टमर नया बनते हैं ना तो कुछ दिन बहुत ऑर्डर करते हैं पार्सल ठीक है उसी तरह से मतलब कि अभी दो दिन तो लगातार आ चुका हूँ देखता हूँ आगे भी आ सकता हूँ क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एक बार ऑर्डर कर लिए उसके बाद ये भी लेना है वो भी लेना है मतलब ख़रीदार हो जाते हैं चलिए अभी आगे चलते हैं ठीक है बंद करते हैं भाई उसको कुछ देर बाद तो इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगा ना कि क्या ही बताऊं हालांकि इसको आज उतार के भूल गया है इसको छोड़ना ऑफिस में तो उतार के छोड़ना चाहिए था चलिए अभी चलते हैं आगे ठीक है तो भाई काफ़ी दिनों बाद यहाँ का एक पार्सल लेके आया हूँ ठीक है पहले
रोज एक ना एक पार्सल रहता ही था, लेकिन काफी दिन बाद आया हूँ। ताला तो बंद नहीं है नया अंदर से। चलिए इसको फटाक से देखे आते हैं, हालांकि प्रीपेड पार्सल है। ठीक है, डॉगी भी चिल्ला रहा है। मैडम पार्सल था, छोड़ दे रहा हूँ ना स्कूटी के ऊपर, ले लीजिएगा। अभी कितना पार्सल बचा हुआ है दिखा देता हूँ आप लोग को। काफ़ी सारा पार्सल जो बांट चुका हूँ, 25 पार्सल बचा हुआ है। ठीक है, उसको फटाफट से डिलीवर करूँगा। और दूर का पार्सल है भाई, एक तो 40 किलोमीटर वाला दूर है। रोज़ अभी आजकल एक एक पार्सल आ ही जा रहा है दूर का। चलिए चलते हैं आगे। तो भाई इस घर का एक पार्सल है, ठीक है, घंटी बजा देता हूँ। बज रहा है कि नहीं पता नहीं। भैया पार्सल था। मेन चीज़ क्या है, कस्टमर घर पे नहीं है। ठीक है, और मेरे को जैसे जैसे बोले मैं वैसे आ गया हूँ। मेरे को जहाँ तक लग रहा है यही वाला घर हो सकता है। घंटी बज रहा है कि नहीं पता नहीं यार। भैया, ओ भैया, इतना बड़ा घर है ना कि आवाज़ भी शायद ऊपर तक जा नहीं रहा। मैडम कोई निकल नहीं रहे हैं घर से। हाँ हाँ बजा रहा हूँ, बट कोई नहीं निकल रहे हैं अभी तक। हाँ अंदर सीढ़ी पे छोड़ दूँ क्या पार्सल को? अरे तो फिर कोई ले जाएगा तो? हाँ वही, एक बार कॉल कर दीजिए ना, आप ही कॉल कर दीजिए ना कि बाहर आए हैं। फोन नहीं है ना उसके पास में जो है अंदर। अच्छा चलिए ठीक है, निकल गए हैं। हाँ पार्सल, चलिए मिल गए मिल गए। शुभम खाखा नहीं, शबनम खाखा, ले लीजिए पार्सल। घंटी बजता है कि? चलिए दोस्तों, यहाँ का एक पार्सल था तो भैया दुकान में छोड़ देने के लिए बोले हैं। ठीक है, भैया अमरजीत टाकरा का पार्सल है, छोड़ने बोले थे, दे दीजिएगा। हाँ पार्सल लेके आया था, आपके घर के सामने खड़ा हूँ। हाँ आइए। चलिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ का पार्सल, एक पार्सल प्रीपेड है। ठीक है, इसको पटाख से दे देता हूँ, फिर झोला का जितना है ना उतना ख़त्म करूँगा। पीछे का जो है ना शोरूम का पार्सल है, अभी तक खुला नहीं है क्योंकि अभी तक टाइम नहीं हुआ है। 9:36 ही हो रहा है और ऑफिस में भी कुछ काज पार्सल जो है ना बचा हुआ है। ठीक है, ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ऑफिस आ गया था और ऑफिस में 4-5 पार्सल जो बचा हुआ है ना उसको अभी लेकर जाऊंगा, तो आज का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मुँह हाथ धो लेता हूँ, फिर इसको भी उतार दूँगा क्योंकि गर्मी ना फैल कर लग रहा है। और भी पार्सल मिल चुका है, देख सकते हैं, तैयार कर चुका हूँ। ठीक है, फटाक से इसको उतार के फिर चलते हैं बांटने के लिए। चलिए दोस्तों, कॉलेज का एक पार्सल लेके आया था। ठीक है, एक बार तो कॉल किया, फिर से कॉल करना पड़ेगा लग रहा है। गर्मी भी बहुत है भाई, धूप जबरदस्त। हेलो, हेलो। हाँ मैडम आ गया था, आ जाइएगा। हॉस्टल के पास? हाँ हॉस्टल के पास आना है।
अच्छा चलिए ठीक, तुरंत आ। तो भाई यहाँ का एक पार्सल लेके आया था, ठीक है, और गर्मी जो है ना इतना ज़्यादा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और वहाँ पे एक डिलीवरी वाला भैया भी हैं, डिलीवरी वाले भी हैं, और मैं तो अमेज़न वाला हूँ, ठीक है। पार्सल लेके गया है अंदर, देखता हूँ कितने देर तक आ जाते हैं पार्सल लेके। और यहाँ पे पार्सल दे ही रहा था, गाय के नोच दिया पूरा, ठीक। हाँ हो गया, फटा हुआ है, फटा हुआ देखिए। दूसरा नहीं है क्या नोट? दूसरा नोट नहीं है क्या? दूसरा नोट नहीं है क्या? ठीक, चलिए दोस्तों लास्ट स्टॉप पे आ गया था। यहाँ का एक पार्सल दूंगा, उसके बाद एक अटेम्प्ट लगाया था उसको जाऊँगा देने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक पार्सल दूर का जो बचा हुआ है उसको भी दूंगा। यही घर है, 1760 रुपये ना, 1760 रुपये का है, ठीक लेकर आइएगा भाई। इसके अंदर हेलमेट हो सकता है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। और भाई इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, और प्यास भी लग गया है जम के, ठीक है। और सामने से आया हूँ काफ़ी दूर, भैया बोले कि यहाँ पे कार खड़ी है और एक ट्रैक्टर, वहीं पे आ जाना। सही जगह पे ही पहुँचा फिर, 10-15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं हो जाएगा। कहाँ पे हैं अभी आप? अच्छा आइए, हाँ जल्दी आइएगा। चलिए दोस्तों, अभी कस्टमर से बात हो गया है, लेकिन कस्टमर भी ऐसे ऐसे कस्टमर मिल रहे ना कि क्या ही बताऊँ। घर जहाँ एड्रेस है वहाँ से ना लेके दूसरी जगह बुला लेते हैं देने के लिए। और यहाँ पे आ गया हूँ देने के लिए, तो ऊपर से कस्टमर ही नहीं, बोले 15 मिनट बाद आऊँगा, क्या ही बताऊँ। तो भाई कस्टमर का इंतज़ार करते करते 10 से 15 से 20 से आधा घंटा हो चुका है, लेकिन कस्टमर अभी तक आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और देखता हूँ कितने देर तक आ जाते हैं भाई। हर दिन ना कोई ऐसा कस्टमर मिलते हैं कि पूरा दिन ही ख़राब कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही। अब देखता हूँ कितने टाइम तक आ जाते हैं। अब यहाँ पे खड़ा हूँ, कब से बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। ओ भाई कितना इंतज़ार करूँ, और कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं यार, और कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे ना, मेन दिक्कत यही है। कॉल उठा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बोले कि 15 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन अभी आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, आ ही नहीं रहा। फिर से कॉल करके देखता हूँ, भाई जल्दी आ जाओ। देखता हूँ क्या बोलते हैं। हेलो, हाँ भैया कितना टाइम लगेगा? हाँ तो फिर ऑफिस देखिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। चलिए ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं ना, आधा घंटा खिलवा लिया अभी, मतलब निकले ही नहीं और अभी नहीं आए। और एक भाई आ चुके हैं अभी तुरंत, और एक कस्टमर का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर बोले कि आ रहा हूँ करके, ऑफिस में ही आ जाओ, ऑफिस से आके ले जाओ। भाई क्या ही बताऊँ यार, परेशान हो गया आज, लास्ट में परेशान हुआ। शुरू में तो अच्छा खासा बांट दिया था पार्सल, अभी इस कस्टमर को फिर से लगाता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ जाता है भाई। बस एक पार्सल मेरे में चढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बोलता कल लूँगा। हाँ पार्सल कल नहीं मिलेगा, फिर पता है कैंसिल हो जाता है पार्सल, ऑफिस से कैंसिल कर देते हैं एक दिन में ही, लेकिन कस्टमर समझते नहीं। दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हाँ भैया कितना टाइम लगेगा आने में? हेलो, हाँ भैया, हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ ना, कितना टाइम लगेगा आने में? बस 10-15 मिनट। अच्छा जल्दी आइएगा ना, इंतजार कर रहा हूँ। सब कस्टमर बस 10-15 मिनट करते करते आधा घंटा एक घंटा जलवा देते हैं। अब देखता हूँ कितने देर तक आ जाते हैं भाई। पापा का भी कॉल आ गया है। हेलो, बस पाशा से जमा कर आशको हन। हाँ की रान से की रान से क्या कुमरा पातार पाटा
अच्छा ठीक है। हाँ आर तेरे 3 बजे तो बने। हाँ सुबह निकलता हूँ काम में तो पता नहीं चलता कि सुबह घर में क्या बना है। तो पापा कॉल किए तो पूछ लिया कि क्या बना है, तो बोले कि आ जाना तो ये कद्दू का पत्ता जो होता है ना उसका चटनी बना है और अंडा जो है उसका ऑमलेट बना के देंगे मैं घर जब जाऊँगा तब। ठीक है लेकिन कस्टमर आ गया तब तो मैं घर जाऊँगा। अमेज़न ऐप ओपन करिएगा ना, जो आपका जो प्रोडक्ट है ना पार्सल उसमें क्लिक करिएगा तो उसमें ना लिखा आएगा कैंसिल करने का। हेलो हेलो हाँ देखिए अमेज़न ऐप ओपन करेंगे ना उसके बाद आपके में दिखेगा यू आर ऑर्डर में जाइएगा, जो वाला पार्सल आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके उसमें ना नीचे लिखा हुआ आएगा कैंसिल करने का मतलब, तो उसको क्लिक करिएगा और सेव ऑप्शन आएगा कर दीजिएगा तो हो जाएगा। फोन ही कट कर देते हैं भाई कैसे करूँगा, समझ में नहीं आता कस्टमर कैसे परेशान करते ना मेरे को। चलिए दोस्तों अभी घर चलते हैं। ठीक है आज का जैसे तैसे काम तो निपटा दिया, बस कस्टमर लोग जो है ना वो ही झिलवा दिए, नहीं तो काम तो ख़त्म कर दिया था। ठीक है कितनी देर तक इंतज़ार किया और मैंने चाबी चालू करके इतने देर तक अंदर था भाई, इसी कारण से तो बाइक का बैटरी जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है अब देखता हूँ सेल्फ लेता है या नहीं, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा से ना मेरा बाइक जो था ना यहीं पर चालू था। चलो भाई ले लिए। चलिए दोस्तों घर चलते हैं, घर जाने के बाद फिर मिलते हैं, खाना वाना खाऊंगा, भूख लगा है बहुत ही ज़ोर से। ठीक चलिए दोस्तों घर आ गया था। ठीक है नहाऊंगा बाद में क्योंकि गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा है, अभी नहाऊंगा तो ऐसे ही डांट पड़ेगा। ठीक है खाना वाना खा लूँगा उसके बाद ही नहाऊंगा। ठीक है और आज आई है प्रियल बहुत दिन बाद अपने मामा घर से। भाई पानी प्यास भी लगा है सुबह से ना, अभी तक पिया नहीं हूँ कुछ भी, सिर्फ लिमका पिया था। ठीक है चलिए फिर से 2 रसगुल्ला लेके आ गया हूँ। ठीक है फटाफट इसको खा लेता हूँ, ठंडा ठंडा फ्रिज से निकाल के लाया हूँ। रुको दे रहा हूँ तुमको भी दे रहा हूँ। ठीक है रुको 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 तो भाई पूरा खाना जो है ना ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक है ये रहा कद्दू का जो पत्ता रहता है ना उसका चटनी। अरे गजब सरप्राइज, बहुत दिन बाद आई है मुझे। इसके भाई को देखे हो? हाँ मैं देख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा खा ले बेटा, हरा चटनी हरा चटनी। सरप्राइज सरप्राइज, क्या रखा तुम्हारे भाई का नाम? भाई का नाम जिग्यांश। रियांश ना रखने वाले थे, रियांश के बाद जिग्यांश, जिग्यांश के बाद जिग्यांश, जिग्यांश जिग्यांश। हालांकि मैं ना अभी तक छोटा बच्चा को देखा नहीं है, आज जाऊंगा देखने के लिए शाम को। ठीक है छोटा बच्चा को मतलब मेरे परिवार में अभी के टाइम में सबसे छोटा है। ए अभी आई है, मैं पूरा खाना ही ख़त्म कर दिया हूँ। तो भाई फिलहाल मैं नहा धोवा के तैयार हो चुका हूँ, छोटा बच्चा भी मेरे पीछे पीछे। नहाया कि नहीं आज? हाँ नहाया कि नहीं? हाँ नहाया हूँ। आपको तो नहाया है आज? हम मुँह मिठा करने के लिए आज मुँह मिठा कर खा ठंडा है। चलिए दोस्तों काफी दिन हो चुका है छोटा बच्चे को देखा नहीं हूँ। ठीक है ये वाला छोटा बच्चे का बात नहीं कर रहा हूँ, चल मुँह पूरा खा।
इसका भाई को देख के आते हैं। दीदी को बोला देखेगी तो। आम पेड़ में बहुत सारा आम होने वाला है, फिर मज़ा आएगा खाने में, नमक मिर्च लगा के। कहाँ सीरियल, कहाँ सीरियल? आज 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 सीरियल। हाँ सरप्राइज, आ जाओ आ जाओ, दिखा दो क्या सरप्राइज है। क्या हुआ मुँह में, क्या हुआ, क्या रखी मुँह में, देख खाऊंगा। क्या रखी थे, ये बोखी हो गई है। ये तो बोखी हो गई है, दिखा, फर्स्ट दांत गिरा है इसका, पता है। चल छोटा बच्चे को देख के आते हैं, मैं देखा नहीं। हाँ ये नहीं, इसका भाई को। अच्छा, इसका बड़ा बच्चा बन गया हूँ पापा। ये बड़ा बच्चा बन गया है ना अभी, तो अभी हम लोग चार लोग जा रहे हैं छोटा बच्चा को देखने के लिए। हम लोग चार लोग हैं, मैं हूँ, ये है वो है, और पिंचू भी जा रहा है देखने के लिए। गाइस अभी हम छोटा बच्चा बड़ी बच्ची जा रहे हैं छोटा बच्चा को देखने, चलो चलो पिंचू को दिखा के लाते हैं। मैं अब तक देखा नहीं, पता है मैं नहीं देखा हूँ। चलो मेरे को खाने को मिल गया है, ये है छोटा बच्चा का, छोटा बच्चा। चो पिंचू को नहला दो, बहुत गंदा हो चुका है। हाँ चलिए छोटा बच्चा को देख लिए हैं, जो हम लोग के परिवार में सबसे छोटा है। हाँ दो पास हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितना पसंद आया? सेकंड आई हो तुम्हारा? मैं फर्स्ट आया हूँ। नहीं तो अपने रिजल्ट है 15 तारीख को आएगा। ये ही देना, झूठ बोलता है ना, क्या बताऊँ। चलो तुम्हारा पेपर खत्म। नहीं फाड़ते नहीं फाड़ते, चलो तुम्हारा निकाल दो। इधर बड़ा बड़ा आम हुआ है, इधर बड़ा बड़ा आम हुआ है, इधर बड़ा बड़ा आम हुआ है, खाएगा। चलो 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 चलो। अरे मामा घर में फुल एंजॉय किए, बहुत डांस किए। कौन भाई नहीं हो, एक नंबर का साला हरामी। क्या क्या बोलते रहता है, एक नंबर का हरामी है बाबुंदा। नहीं ऐसा नहीं बोलते बच्चा, राजा बोल रही हूँ। मजा आ गया लेकिन ना छोटा बच्चा को देख के। ये वांटी अंकल, आप लोगों को मैं ना ड्राइवर का। चलो आ जाओ, तो अभी जा रहे हैं हम लोग मछली देखने के लिए। तो गाइस अभी ये हम लोग ये करते हैं गाइस। क्या करते हैं? पेंचू ओए ढैचू एले कैसे रखी गिरा दे रही है। भूतनी के ये तो गाना सुना है, सुनिए। ऐसा नहीं बोलते भूतनी के। पिंचू अरे पिंचू 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 को पानी में फेंक दूंगा पिंचू। चलो आओ आओ जल्दी मछली देखने। देखा ओ नहीं, ऐसे जानबूझ के नहीं मारा, जानबूझ के नहीं मारा है, ऐसे लग गया। चलो इसको लो, मैं इसको गोद में लूँगा, देखना दर्द ठीक हो जाए। अंतर मंत्र जंतर जो करे काला बंतर, यही मंत्र था ना? नहीं। अच्छा तो सूत। अरे पानी आ गया है गर्मी में, इतना गर्मी में पानी कुछ नहीं होता है। छोटा देखो बापरे, ये तो मामा घर जाके इतना वजन हो गई है। अरे बापरे इतना वजन दिया। ओहो कोई बात नहीं, चलो इसलिए प्रिया बोलता हूँ ना, बदमाशी ज़्यादा मत किया करना, ठीक है? बदमाशी के चक्कर में देखो लग गया ना दीदी को। हालांकि दीदी अब इसको पार कैसे करेंगे हम लोग, कार को कैसे पार करेंगे? अरे और तुमको पता है एक दिन मछली, अरे मुनु 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 मछली पकड़ के मछली खाए थे, वीडियो देखी ना? मस्त मजा आया था, ये भी खाया था। रुक इसको पानी में गिरा देता हूँ। आज पिंचू को मछली को क्यों खाया था, क्यों खाया था? अरे क्यों खाया था, रुक तो फेंकू, ये खाने मेरे को खाली गुस्सा होती है। ढैचू अभी रोने रोना चालू कर देती, पता है इसको चुप कराया हूँ अंतर मंतर जंतर करके। नहीं हाँ कौन चिल्ला रहा है, वो कौन है, वो है क्या, अनूप है क्या, अनूप है गिर जाएगा इसको, फिर मछली खा जाएगा फिर। तो चलिए दोस्तों आज जैसे तैसे सब कुछ ही अच्छा ही था, मुनु का दांत भी टूट चुका है, ठीक है,
अरे कितने साल की हो गई है? 7 साल। पहले हम लोग के ज़माने में 7 साल होने के बाद ही दांत टूटा करता था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा खाद दुनियादारी खा पी के ना ऐसे हो गया कि बच्चे लोग तो 6 साल में ही दांत गिर जाता है कि नहीं? छोटी बच्ची है क्या? अभी बेचारी रोने वाली थी, लेकिन मैं अंतर मंत्र जंत्र करके रोना इसका बंद कर दिया। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज लगी रहा है उसे। बिही कौन दे रहा है? हम लोग के सामने बिही खाते हुए जा रहे हो, दिखाओ परी। अतो बड़ा बड़ा बिही कौन से? मैं बच्चों का लूट के खाता हूँ, पता है? एक एक कम तो सब ही खाए, ठीक है? देखो तो दांत भांगा है। लो अभी अरबा का खाएंगे। अरबा कर रहे हो तुम गरबा? अरबा कर रहे हो तुम गरबा? तो भाई पानी प्यास लगा है, कहाँ जाऊँ? मस्त गिर रहा है, यहीं से पी लेता हूँ। गुदगुदी लगता है। अरे तुम लोग को पिए पीना है? पियो पियो, भीगना मत, ठीक है? पिंची को मैं पकड़ लेता हूँ, गोद में उठा लेता हूँ इसको। गंदे पे गंदा कर देता है, वो तो पी नहीं पाता है। लो लो लो, हाँ पियो पियो पियो, फटाक से फटाक से पियो। हट जा यार, हट जा। ये तू भी तो ऐसे करके पी रही है, हट जा यार। थोड़ा सा मैं अभी पिंची को पिलाना है, पिंची को प्यास लगा है, पिंची को प्यास लगा है। अरे पिंची को प्यास लगा, पिंची को प्यास लगा है, थोड़ा पीने दे। चलो चलते हैं। तो वीडियो का एंडिंग कौन करेगा? चलो तुम दोनों साथ में करो। ओके ओके ओके, चलो तुम दोनों करो साथ में। हाँ चलो कोई बात नहीं। आज के वीडियो को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और ये लोग कमेंट नहीं करते ना? हाँ कमेंट नहीं करते हैं, कुछ समझ नहीं आता हम लोग क्या मिस करें। कमेंट करिए, इतने दिन से बहुत ही ऐसे हम कमार की कुछ जन आप लोग। ए छोड़ो, मैं सब मेरे सब्सक्राइबर को बोल दो तुम हारी है। अरे प्यार है पागल, प्यार है कैसे? कमेंट क्यों नहीं करते? दो कमेंट करना जब कुछ इष्ट क्या इंग्लिश है? क्या इंग्लिश है? क्या क्या फिर से? गजब का बोला भाई, आप लोग को तो बनता है, एक कमेंट तो बनता ही है। नहीं नहीं छोड़ना है मेरे को, नहीं छोड़ना है। मैं तो छोड़ दूंगा मोबाइल, यूट्यूब वाला ही बंद कर दूंगा। चलो फिर से बोलो क्या क्या। हाँ हाँ चलो चलो, ये सब छोड़ो। इंटरेस्टिंग को क्या बोल रहा था फिर से बोलने का? बोलो एक बार ऑन स्पॉट। चलो अगले ब्लॉग में ना ये पक्का सीख जाएगा इंटरेस्टिंग बोलना, ठीक है? सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, और बच्चे लोग भी आ